ओके तो स्टार्ट हो चुका है बंद, बस बस मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा भाई। दूटा से हाफ हाफ लीटर दिबो 90 ना मग एक पूरा एग्जैक्ट लगे 500 ml 500 ml एटर एग्जैक्ट लगे काट एग्जैक्ट हाँ एकदम पूरा 500। ओके वी कैन सो राइट नाउ इट्स 11:14 एंड टुडे इट्स 26 जून और आज है सैटरडे। तो आज फाइनली जाके हम जो है 1.5 साल बाद अपने बाइक का माइलेज टेस्ट करेंगे, मतलब फिर से। पहले मैंने एक बार किया था जब नया नया लिया था ना, तब आया था कुछ 54.4 किलोमीटर आई गेस, और मैंने भैया को कहा है कि पूरा एग्जैक्ट 500 ml चाहिए मुझे, मतलब कि पूरा एग्जैक्ट आधा लीटर। ओके सो एग्जैक्ट आधा लीटर भाई ढक्कन याद है जीवन दिले वो याद है फुल कर दियो। तो ये जो है पूरा एग्जैक्ट 500 ml है। वॉकिंग जोन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके और भाई दिन ब दिन जो है ना गर्मी का बहाव बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, अभी मुझे इतना ज्यादा गर्म लग रहा है ना, पर क्या करें। तो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल डी व्लॉग्स। एंड ऑल्सो जिन जिन को नहीं पता तो मैं फिर से कह दूं कि अगेन लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी मैंने अपने चैनल में जो है एक चैलेंज रखा है, मतलब कि 18 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ और आप लोग रेगुलर चैनल को सब्सक्राइब करते रहो एंड बर्थडे से पहले 100K करना है, तो वही कुछ सीन है। एंड ऑल्सो गाइस दिस इज माई बीस्ट यामाहा R15 V3 BS6 जो कि मैंने लास्ट ईयर 21 फरवरी को लिया था 2020 में। एंड ऑल्सो अभी जो है लगभग ये 17 मंथ्स हो चुका है मेरा ये बाइक का लिया हुआ। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई 1.5 साल हो चुका है इस बाइक लिया वाला, तो फिर से जो है इसका माइलेज टेस्ट करो। सो फाइनली आफ्टर 1.5 ईयर द माइलेज टेस्ट इज। एंड मैं जो है ना गाइस आज कुछ अलग तरीके से जो इसका माइलेज टेस्ट करने का सोच रहा हूँ, मतलब कि देखो 1 लीटर डाल के पूरा इसको चलाते रहना इट्स पॉसिबल है, बट देन बहुत चलाना पड़ेगा और इतना गर्मी में ना हमारे पास मतलब कुछ एनर्जी नहीं है इतना ज्यादा मतलब गर्मी में चलते रहने का। तो इसके कारण मैंने क्या किया कि मैंने एक आइडिया लगाया, जैसे कि आपको तो पता ही है आपका भाई जो है ही इज लाइक वेरी 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 इंटेलिजेंट, तो इसी की तरह मैंने एक आइडिया लगाया कि भाई 1.5 लीटर पेट्रोल लेंगे और 1.5 लीटर पेट्रोल डाल के जो जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा ना 1.5 लीटर पेट्रोल डाल के इस बाइक को चलाएंगे और बाइक जितना भी चलेगा ना उसको into 2 कर देंगे, मतलब कि ये 500 ml है तो 1000 ml जो होता है ना वो होता है 1 लीटर, तो इसी की तरह ये है आधा लीटर, इसको डाल के जितना भी चलेगा into 2 कर देंगे तो अपना जो रियल माइलेज है वो निकल जाएगा। तो वही कुछ सीन है, तो कैसा लगा आइडिया जरा कमेंट करके बताना हमें। एंड या माइलेज टेस्ट का कार्यक्रम जो है चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट वी कैन सो रेडी टू रोल। अभी अभी एक पोपट हो गया बैटरी चेंज करते वक्त ना, ये जो इसका बैटरी निकलने का पुलिंग स्ट्राइप जो होता है ना ये निकल गया मेरा भाई गंदा वाला कट गया, फिर से नया बैटरी लेना पड़ेगा भाई। ये बैटरी एक्चुअली ओरिजिनल था बट कोई नहीं, पैसा बहुत है भाई आपका भाई ऐसे खरीद लेगा। ओके एंड ऑल्सो ना गाइस जब हमारे विजय भाई का बाइक का NS125 BS6 का जब मैंने माइलेज टेस्ट किया था ना तो उसका आया था रिजल्ट अराउंड 48 point something, तो काफ़ी लोग उसमें कमेंट करके कह रहे थे कि भाई डबलिंग थे ना तो इसके लिए माइलेज कम मिला है। एक्चुअली देखा जाए तो बात सही है, वो क्या था कि बाइक में जितना ज़्यादा वेट होता है ना उतना बाइक जो है पुल होता है, तो इसके कारण जो है तेल भी ज़्यादा खाता है। बट हम आज अकेले हैं तो शुरू करते हैं कार्यक्रम अकेले ही। एक्चुअली इसमें तेल ज़्यादा है ही नहीं गाइस, बिल्कुल तेल नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब कि थोड़ा बचा होगा 3-4 किलोमीटर चल जाएगा एंड उसके बाद जो है हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे भाई माइलेज टेस्ट का। ऑलराइट सो फाइनली जाके तेल ख़त्म हो गया भाई, अभी तो आई गेस फाइनल वाला ख़त्म हो गया। उस नो स्टार्ट, ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा भाई अपने बाइक को, वैसे ही अपने बाइक में बहुत काम करवाना है बस। ओके सो लेट्स डू इट। ये था आधा लीटर पर एग्जैक्टली 500 ml फुल है। ओके चलो भाई, ये डाला अपन ने आधा लीटर पेट्रोल और आधा लीटर में 10 ग्राम तो वहीं साइड पर चला गया भाई। डन एंड इस बोतल को जो है हम बैग में डाल देंगे, हम कहीं नहीं फेंकेंगे, डोंट वरी, कचरे में जाके फेंकेंगे। शुरू करते हैं वैकेंस, चलो अब देखो स्टार्ट हो गया। वाह दीपक जी वाह, अब एटलीस्ट 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आराम से चल जाएगा। पहले ट्रिप को करते हैं 0। अच्छा ये ऑड एवरेज ऑल चार्मिंग ट्रिप वन आई हैव टू मेक 0। ओके ट्रिप वन को मैंने कर दिया 0, यू कैन सी इट, ट्रिप वन इज 0 नाउ। चलो भाई कार्यक्रम शुरू करते हैं। Let's do it, baby. अब कितना चलेगा देखता है अपना बाइक और 1.5 साल बाद जो है अपना बीस्ट कितना देता है माइलेज, लेट्स सी। इनकेस माइलेज अगर ज़्यादा मिल गया ना तो हमारे कुछ वैकेंस कहेंगे कि भाई आप तो बाइक को जो है 50-60 में चला रहे थे इसलिए माइलेज आपको ज़्यादा मिला है, तो इसके कारण जो है
हम सोच रहे हैं बाइक को थोड़ा भगाया जाए भाई। चलो फिर से यूटर्न लेते और चाराली के साइड पे चलते हैं। चलो माइलेज टेस्ट करते करते यहाँ पे दे दिया है बारिश और मेरा गोप्रो जो है वो बैग के अंदर है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा गोप्रो भीग जाए। अब देखते हैं कब बारिश रुकता है और यहाँ पे फिर निकलते हैं। वैसे तो बारिश थोड़ा थोड़ा दे रहा है बट देन बहुत ही दे रहा है, तो तब तक हम सोच रहे हैं कि क्यों ना यहाँ पे पानी पूरी खाया जाए। आपका भाभी जी तो हमारे साथ खाती नहीं है तो हम अकेले खाएंगे, क्या बोलते हो? ऑलराइट विकेंड। सो पानी पूरी खा के मैं बाइक चला चला के यहाँ तक आ गया था रुक्मिणी गांव तक, और यहाँ पे रुक के मैंने कैमरा को लगा लिया। कहीं पे बारिश दे रहा है कहीं पे नहीं दे रहा है, ये क्या सीन है समझ नहीं आ रहा है। अब इस बारिश के मौसम पे ना हम जैसे व्लॉगर का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है भाई। सो फार अपना बाइक जो है वहाँ से बेलतला से यहाँ चला चला के इधर उधर से मैं हर जगह के लिए लॉन्ग कट मार मार के यहाँ पे आ गया और अभी तक चल चुका 13.7 किलोमीटर। समझ रहे हो अभी बहुत चलना बाकी है मेरे दोस्त। उस वक्त इसी रोड पे जो है दे रहा था बारिश और अभी देखो भाई इतना तगड़ा वाला धूप है ना, मेरा ये सब इतना जल रहा है ना मत बोलो भाई। और क्या है ना कि अभी पेट्रोल जो है ख़त्म होने वाला, तो इसके लिए जो है मैं साइड से चल रहा हूँ, मतलब कि 23.4 किलोमीटर चल चुका है। कहाँ जाके कब पेट्रोल ख़त्म होगा कुछ गारंटी नहीं है भाई इसका, तो इसलिए साइड से जा रहा हूँ और आराम आराम से जा रहा हूँ। कोई जल्दी नहीं है भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है, हम इंसान हैं। डी ब्लॉक्स हाँ मिस मारना चालू हो चुका है, देखो पूरा फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन मिस मार रहा है। ये क्या भाई 23 हो जाएगा 46। चल चल भाई और चलेगा, तू अभी तक 48 ही चला है, 24 ही चला है। स्टार्ट बंद हो गया है बेटू, तो यहाँ पे स्टार्ट बंद हो चुका है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। चलेगा तू और 3 किलोमीटर चलेगा बेटे, देखते हैं पेट्रोल है कि नहीं। पेट्रोल तो दिख रहा है भाई, क्या चक्कर है? स्टार्ट हो गया बेटू, स्टार्ट हो गया। पेट्रोल पूरा खत्म। स्लो बेबी स्लो 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 स्लो। और ये अपन क्रॉस कर रहे हैं लोखरा और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला फाइन काट रहे हैं हमारे मामा जी। नो इट्स नॉट स्टार्टिंग मैन, खत्म। देखो उस वक्त जब पेट्रोल ख़त्म किया था ना तो मैंने उस वक्त भी 2-3 बार ऐसा हिला हिला के जो है बाइक को चलाया था, तो अभी भी ट्राई करते हैं। अगर 1 किलोमीटर भी चल गया तो भाई उसमें भी माइलेज में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है अपना। चल गया जैसे कि मैंने हिलाया और फिर से बाइक जो है चलना चालू हो चुका है, तो जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे भाई। हम हार मानने वालों में से नहीं है भाई, आपको तो पता ही है आपका भाई जो है हार मानने वालों में से नहीं है, तो हाँ जी चलते पड़ो। आयोडेक्स में लो बाइक चलाते रहो। माइलेज जो है बहुत ही बढ़िया दे रहा है भाई। शिट मैन। ओके मिस मारना चालू, तो साइड से ले लेते हैं भाई, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे यार इंजन को, नहीं तो बहुत ही लफड़ा हो जाएगा। ओके तो स्टार्ट हो चुका है बंद, बस मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा भाई। वो मैन वो सो अभी यहाँ पे आके जो है सेल्फ लेना हो चुका है बंद, सेल्फ बिल्कुल नहीं ले रहा है, तो मैं और ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा बाइक को क्योंकि मेरा बाइक ऑलरेडी ख़राब चल रहा है और ख़राब नहीं करना चाहता। तो हाफ लीटर में बाइक चला 27.8 किलोमीटर, तो भाई कैलकुलेटर मारते हैं भाई। ये आपका भाई ने खोला कैलकुलेटर और यहाँ पे मारा 27.8 किलोमीटर चला हाफ लीटर में, तो इंटू 2। ओ मैन फक अनबिलीवेबल मैन अनबिलीवेबल, 55.6 किलोमीटर चलता है भाई अपना V3 1 लीटर में। देखो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब नया नया बाइक लिया था ना तब मैंने ट्राई किया था, तब चला था अराउंड 54.4 किलोमीटर 1 लीटर पे, जब नया नया मैंने बाइक लिया था तब चला था। और अगर वो ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हो और लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 1.5 साल बाद मैंने फिर से जो है अपना बाइक का माइलेज टेस्ट किया एंड इट गिव्स अस 55.6 किलोमीटर। मैन 55.6 किलोमीटर कोई कम नहीं है गाइस, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक V3 और वो भी 1.5 सालों बाद भी जो है माइलेज उल्टा ज़्यादा बढ़ गया। पहले दे रहा था 54.4 किलोमीटर और अभी दे रहा है 55.6 किलोमीटर, तो सोच सकते हो
दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन आई लव माय बीस्ट मैन, आई लव माय बीस्ट। बहुत ही बढ़िया। ईस्ट और वेस्ट B3 का माइलेज इज द बेस्ट ब्रो। चलो भाई, अपने जो तेल लाए थे वो तेल को डालते हैं एंड घर की तरफ रवाना होते हैं। चलो इसको डालते हैं बैग पे और बाइक का करते हैं बंद और यहाँ से निकल पड़ते हैं। सो यार भाई, आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। सो बहुत लोगों का डिमांड था कि भाई माइलेज टेस्ट करो, माइलेज टेस्ट करो। सो फाइनली इट्स आउट एंड ब्लॉग में प्यार दिखाना एंड वापस जो है हम वही कॉन्फिडेंट जो है पहले जैसा कॉन्फिडेंट अपना आपका भाई का था वो कॉन्फिडेंट हम वापस लाने वाले हैं। एंड या आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का एंड कमेंट करने का। लास्ट का पार्ट जो है कुछ ज़्यादा ही जोशीला था, राइट? पता है मुझे, पता है आपका भाई वापस जोश में आना चाहता है, दैट्स वाई। सो या बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। मिलते हैं बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन का गैप लूँगा, ज़्यादा गैप कभी नहीं होगा भाई, डोंट वरी, दो दिन से ज़्यादा गैप नहीं होगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग वेकेंस। बाय बाय।